के में आती है। तो मैंने ये भी जानना चाहा कि ये कहीं अभिभावक तो नहीं है, कहीं माताएं तो नहीं है, कहीं बहनें तो नहीं है। तो पता चला नहीं, ये विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये बालिकाएं स्कूल की है। तो स्कूल की बालिकाएं, स्कूल का उत्सव है, तो स्कूल के उत्सव में कम से कम स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। बचपन से हमने तो स्कूल उत्सव पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमने 2 दिन पहले विदाउट ड्रेस चले गए, लेकिन उस दिन ड्रेस में जाना अनिवार्य था, नहीं तो फाइन लगता या डांट पड़ती या लिखा जाता नोट। तो हम उस बात का ध्यान रखते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में 2 प्रकार के ड्रेस कोड कर दिया गया है पिछली सरकार ने, और स्कूल न होकर वहाँ ऐसा लगा कि कोई कोई शादी ब्याह में आए हैं, कि कोई और उत्सव में आए, कि और किसी चीज़ में आए। फिर कुछ स्कूलों में बड़ा अजीब वाक्य हुआ कि सरस्वती का मंदिर है, मूर्ति कहाँ है, बोला यहाँ से हटा दी गई है सरस्वती का मंदिर। स्कूल में सरस्वती की माता की मूर्ति अलाउ नहीं है, लगी को भी हटा दी गई है। कुछ जगह ये पता चला कि जिस समय प्रार्थना होती है, अजान जो होती है, उस समय स्कूल की पढ़ाई भी बाधित रहती है और सब लोग छोड़ के भी चले जाते हैं स्कूल को। तो वो स्कूल है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहाँ अध्ययन के लिए बच्चे आते हैं, उनमें इस प्रकार का माहौल क्यों डाला जा रहा है? 2 ड्रेस कोड क्यों हैं? सबका एक ही ड्रेस होना चाहिए। फिर स्कूल का ड्रेस बना क्यों है? फिर स्कूल के ड्रेस का तात्पर्य क्या रहा जब स्कूल में इस प्रकार के, ये बच्चों में गलत भावना डाली जा रही है। बच्चों को आपस में मिलने दो, सौहार्द बनने दो, प्रेम बनने दो। फिर आप बच्चों में बचपन से ऐसा माहौल डाल दोगे तो बच्चे कैसे मिक्सअप होंगे, कैसे जुड़ेंगे एक दूसरे से? वहाँ जब अध्ययन करने आ रहे हैं, अध्ययनशाला है, ज्ञान का मंदिर है, विद्यालय है, विद्यालय में नियम है, कायदे हैं, वही पालन नहीं करेंगे तो फिर बच्चे आगे जाके क्या करेंगे? तो मेरा किसी धर्म से, किसी जाति से या किसी कोई ड्रेस कोड से समस्या नहीं है। हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में एक नियम कायदा जो बना है, उस कायदे के अनुरूप सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई करें, और यही निवेदन किया है। किसी को गुरुकुल का अध्ययन करना है, किसी को गुरुकुल से जाना है तो गुरुकुल में जाएगा, वहाँ का ड्रेस कोड है, वहाँ का नियम कायदे हैं। किसी को मदरसे का अध्ययन करना है तो मदरसे में जाएगा, वहाँ का ड्रेस कोड है, वहाँ का कायदा है। और हमारे विद्यालयों में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं हमारे सरकार के, उनमें सबके लिए बराबर ड्रेस कोड होना चाहिए, सबके लिए नियम कायदे बराबर होना चाहिए, सबके लिए वहाँ स्कूल का प्रशासन भेदभाव न करते हुए एक भाव रखना चाहिए।